सो वेलकम बैक गाइज एंड गाइज, फिलहाल फ्री फायर में यार ये इंक्यूबेटर चल रहा है एंड आई एम श्योर आप में से जो है मैक्सिमम लोग अभी जानना चाह रहे होंगे कि यार इस इंक्यूबेटर के बाद आखिर कौन सा अगला इंक्यूबेटर आने वाला है फ्री फायर में। क्या कोई नया इंक्यूबेटर आने वाला है, कंस्किन्स का इंक्यूबेटर आएगा, बंडल्स का इंक्यूबेटर आएगा या फिर कोई और पुराना इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाला है। तो फाइनली चैनल के ऊपर वीडियो आ चुकी है एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो है हमारा 110% कन्फर्म्ड नेक्स्ट इंक्यूबेटर जो है दिखाने वाला हूँ। एंड यार वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होगी। वीडियो को गाइस हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले गाइस देखो, फ्री फायर में मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर में अभी हाल ही फिलहाल में जो है नए बंडल्स ऐड हुए हैं एंड इन बंडल्स के बारे में मैंने आप लोगों को जो है पिछले महीने ही बता दिया था। एंड कल चैनल के ऊपर फिर से एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर के अंदर और कौन कौन से नए नए बंडल ऐड होने वाले हैं, प्लस उस वीडियो में मैं आप लोगों को डेट भी बताऊंगा। तो अगर आप में से जो है कोई इंटरेस्टेड है एंड जानना चाहता है कि मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर के अंदर इन फ्यूचर कौन कौन से नए नए बंडल ऐड होंगे तो मेरे भाई जानना आसान है। आप लोगों को नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सिंपली मेरे भाई उसको क्लिक करना, बाजू में बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना है, ऑन करके ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कल आप सभी को पता चल जाएगा कि मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर में कौन कौन से बंडल ऐड होने वाले हैं, प्लस ये भी पता चल जाएगा कि कब ऐड होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब याद से कर लेना, होप्स अगर भी लिया होगा तो। चलो यार गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फिलहाल ना यार फ्री फायर में जो है BTS का जो है कोलैब इवेंट चल रहा है एंड यार इस इवेंट के बाद जो अगला इवेंट आएगा, जो नेक्स्ट मेगा इवेंट होने वाला है, वो होने वाला है भाई फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ का इवेंट। एंड फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ कितना बड़ा इवेंट होने वाला है ये चीज़ यार मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के दौरान आप लोगों को जो है काफ़ी सारे रिवॉर्ड जो है बिल्कुल फ्री में जो है देखने को मिल जाएंगे। एंड फ्री फायर जो वर्ल्ड सीरीज इवेंट होने वाला है उसका जो लुक होने वाला है, उस इवेंट की एक झलक जो है तुम्हारे भाई को मिल चुकी है एंड वो जो फोटो है वो गाइज आप सभी जो है अभी स्क्रीन के ऊपर जो है देख सकते हो। इस फोटो से जो है आप लोगों को आइडिया पड़ जाएगा कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जो इवेंट होने वाला है वो कैसा इवेंट होने वाला है। बाय द वे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के ऊपर जो है मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो इवेंट है आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है एंड ऑल दैट। बाय द वे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट के दौरान आप लोगों को जो है रिडीम कोड भी मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहना, इन फ्यूचर आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। एंड अभी गाइस हम लोग मूव कर लेते हैं यार हमारे अगले अपडेट की ओर। एंड ये जो अगला अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्री फायर में बहुत से बंडल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नए नए बंडल भी आते हैं, बट फ्री फायर वाले ना बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं। काफ़ी बार ये लोग ऐसा करते हैं लाइक बंडल को रिसाइकल कर लेते हैं। अभी हो सकता है आपको मेरी बातों से समझ में ना आ रहा हो बट आप लोग खुद स्क्रीन के ऊपर ये दो बंडल देखो, इससे मिलते जुलते बंडल जो है फ्री फायर में पहले आ चुके हैं बट फ्री फायर वालों ने क्या किया, बंडल का कलर चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। एंड आप लोग देख लो, इसे कहते हैं रिसाइकिल करना। एक आइटम जो ऑलरेडी ये लोग हमें बेच चुके हैं फ्री फायर में, उसी का कॉपी ले आना एंड उसे फिर से बेचना। फ्री फायर वालों में दिमाग तो है भाई, बट मैंने ये आप लोगों को जस्ट ऐसे ही दिखा दिया बिकॉज फ्री फायर वाले अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खास करके इन जैसी चीज़ों में। एंड अभी गाइस हम लोग मूव करते हैं हमारे अगले अपडेट की ओर। एंड गाइस ये जो अपडेट है ना यार ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन फ्यूचर गाइस आप लोगों को ना फ्री फायर में काफ़ी ज़्यादा जो है अजीब से आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक थोड़े डिफरेंट आइटम। मैं बातें नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को वो आइटम्स ही दिखा देता हूँ। तो जो इन फ्यूचर जो रिवॉर्ड्स आने वाले जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है भाई ये रिवॉर्ड, आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो है देख सकते हो। भाई ये जो रिवॉर्ड है कहा जा रहा है कि ये ट्रिपल ए के साथ जो है कोलैब करने वाले हैं फ्री फायर वाले। ट्रिपल ए क्या है मुझे भी अच्छी तरह नहीं पता है बट आप लोग रिवॉर्ड देखो एंड इन रिवॉर्ड से आप लोगों को ना थोड़ी बहुत WWE की भी वाइब आएगी। बाय द वे ये फिस्ट की स्किन आप लोग देखो स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये फिस्ट की स्किन, खास करके इसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा डूप है एंड भाई ड्रॉप किक का इमोट है, इसलिए मैं कह रहा था कि WWE की वाइब आएगी आप लोगों को इस इवेंट के रिवॉर्ड से। तो यहाँ से चेयर शॉट बरसा रहा है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। एंड ये है फीमेल का बंडल इस इवेंट का, फीमेल का जो बंडल है इतना ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं है एंड मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है फ्री में भी मिल जाएगा। एंड इसका एक मेल का बंडल है, मेल का बंडल आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। भाई मेल का जो बंडल है वो भी कुछ खास नहीं है यार, ऐसे बंडल फ्री फायर वाले FF टोकन एक्सचेंज स्टोर में ऐड कर सकते हैं, बंदे वहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे। तो बंडल ज़्यादा कुछ खास अच्छे नहीं थे बट जो फिश की स्किन थी, ग्लूवल की स्किन थी एंड जो दो इमोट थे
वो काफ़ी ज़्यादा सही लगे मुझे। एंड काफ़ी सारे इवेंट्स को अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। एंड अभी कैसे हम लोग बात करेंगे हमारी आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। बेसिकली मैं आप लोगों को अभी जो है हमारा अगला इंक्यूबेटर ही जो है दिखाने जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं क्या देख रहा हूँ मेरे भाई, आप ऐसे ना कुछ लोगों ने तो अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया है। जो है जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो। एंड इवन कुछ लोगों ने तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो यार जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, सब्सक्राइब भी कर लो। होप सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। तो चलो गाइस हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं हमारे अपकमिंग नेक्स्ट इंक्यूबेटर का जो कि फ्री फायर में आने वाला है। A few moments later. तो गाइस आप सभी जो है अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, नेक्स्ट इंक्यूबेटर में आप लोगों को जो है गन स्किन्स देखने को मिल जाएंगी पैराफुल की। अभी आप लोग जो है टॉप वाली स्किन को जो है देख सकते हो, जिसका लुक यार बहुत ज़्यादा ओपी आ रहा है, फायर थीम पर बेस्ड है। एंड इसके एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, डबल डैमेज है इसके अंदर। एंड ये है भाई सेकेंड वाली गन स्किन, जिसके अंदर आप लोगों को सिंगल रेट ऑफ फायर डबल रेंज देखने को मिल जाती है। फर्स्ट वाली स्किन फायर थीम पर बेस्ड है, सेकंड वाली इलेक्ट्रिक वाटर थीम पर बेस्ड है। एंड ये है भाई थर्ड वाली स्किन, लुक तो यार चारों का ही अच्छा है, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी की भी बात करो, बट एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस आ जाता है यार। ये लास्ट वाली स्किन ग्रीन कलर की, जिसके एट्रीब्यूट ज़्यादा कुछ खास अच्छे मुझे नहीं लग रहे हैं। एंड आप लोग जो यहाँ पे इस स्किन को अच्छी तरह से जो है देख सकते हो, लुक चारों का ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगी ये चारों की चारों गन स्किन्स। एट्रीब्यूट्स वाइज ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं है। टॉप वाली स्किन में भी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जो है सिर्फ डबल डैमेज एंड सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन देखने को मिलता है। नॉर्मली जो गन स्किन्स आती हैं उनके अंदर जो है फ्री फायर वाले टॉप में तो भाई डबल डैमेज या फिर डबल रेट ऑफ फायर के साथ सिंगल डैमेज तो ऐड करते ही करते हैं। तो हाँ, ये है हमारा अगला इंक्यूबेटर जो कि आपको देखने को मिल जाएगा फ्री फायर में। मेरी आईडी में भाई मेरे पास जो है पहले से ही एक पैराफुल की गन स्किन है। हाँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या आपके पास आपकी आईडी में पैराफुल की गन स्किन है कोई, एंड अगर नहीं है तो क्या आप लोग जो है इस इंक्यूबेटर से कोई गन स्किन जो है अपनी आईडी में निकालोगे। एंड हाँ, इंक्यूबेटर के बारे में हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग जो है जानना चाहते हैं एंड मुझसे पूछते भी हैं कि यार क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर कब रिटर्न आएगा, बिकॉज फ्री फायर वाले जो है नया इंक्यूबेटर तो गेम में लाते ही लाते हैं, प्लस ये लोग ना पुराने इंक्यूबेटर को भी जो है रिटर्न लाते हैं। तो मैं चैनल के ऊपर जो है कोशिश करूँगा 2-3 दिन के अंदर जो है एक वीडियो अपलोड कर दूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि फ्री फायर में जो है कौन सा पुराना इंक्यूबेटर जो है रिटर्न आएगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर रिटर्न आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि बनी वाला बंडल का जो इंक्यूबेटर है ना वो रिटर्न आए। तो इंक्यूबेटर तो रिटर्न आएगा, बट कौन सा आएगा ये मैं इन फ्यूचर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। तो चलो यार फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। होप गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। कल या फिर परसों मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैजिक क्यूब एक्सचेंज स्टोर के अंदर जो है कौन कौन से नए नए बंडल ऐड होने वाले हैं। एंड एक और चीज़, आप लोगों को लेफ्ट साइड में एक वीडियो की फोटो दिख रही होगी, इस फोटो पे मेरे भाई अभी क्लिक करो एंड क्लिक करके जान लो कि इस महीने का जो एलीट पास है वो आप लोगों को डिस्काउंट में मिलेगा या फिर नहीं। तो लेफ्ट साइड में वीडियो की फोटो है, अब इस फोटो पर क्लिक करो, क्लिक करके वीडियो को वॉच करो एंड जानो कि इस महीने का एलीट पास हम लोगों को कब और किस इवेंट में जो है डिस्काउंट में मिलने वाला है।